बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से है, जहां तेज रफ्तार कार और डीसीएम में भिड़ंत होने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं एक महिला अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, जिसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दरअसल मामला थाना सिविल लाइन इलाके के अजीतपुर बाईपास का है। यहां एक बार फिर से तेज रफ्तार की वजह से बड़ा हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट राम मिश्रा ने बताया कि अजीतपुर बाईपास पर यह हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। ये लोग किस जगह के थे, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ लोगों को शिनाख्त भी की जा रही है। वहीं मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। घटना अभी संज्ञान में आई है, अजीतपुर बाईपास के पास में। ये इसमें दुर्भाग्यजनक 5 लोग एक्सपायर हुए हैं, 4 पुरुष, 1 महिला है। एक महिला जो कि एडमिट है, गंभीर स्थिति में है, माता वो भी गोली मरी हुई है। प्रत्यक्ष रिपोर्ट भेजी जा रही है शासन। कहाँ के निवासी हैं और गाड़ी नंबर क्या मालूम है? अभी जिला शिनाख्ते का प्रारंभिक प्रयास चल रहा है, मुरादाबाद के आगे ही लोकेशन मिलेगी उम्मीद है। अभी प्रयास कर रहे हैं सर। गाड़ी नंबर से कुछ पता चल पाया? हाँ, गाड़ी नंबर से कोई भाटी करके उसका ट्रेस निकल रहा है। कौन से जिले शहर के लोग? अभी कह नहीं सकता, उसका डिटेल पूरी जांच चल रही है, उसके कहाँ के रहने वाले हैं, ताकि उन्हें खबर दी जा सके। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? कुछ अजीतपुर बाईपास के पास। तो 6 लोग थे कार में? हाँ, अभी तो प्राइमरी फेसी 6 लोग हैं, जिसमें 5 एक्सपायर हो चुके हैं। कौन सी कार और किसमें हुआ? कैंटर है सामने, इको गाड़ी, इको। बहरहाल इस हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों का कहना है कि इको कार काफी तेज स्पीड में थी, यही कारण है कि दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हुई।